हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में अस्सी वर्मा बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं, इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक दो वीडियोस अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप इस वीडियो को जाके देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटे से कॉन्सेप्ट की जरूरत है, हम उस कॉन्सेप्ट को पहले देखते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, तो वन मोल ऑफ सबस्टांस इक्वल टू 6.023 × 10⁻²⁰ मॉलिक्यूल्स। क्लियर स्टूडेंट, यानी किसी भी सबस्टांस के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, तो 6.023 × 10⁻²। क्लियर स्टूडेंट, तो यहां पे देखिए जो हमको सबस्टांस गिवन हुआ हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। यानी हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, वन मोल ऑफ वाटर, है ना। तो वन मोल ऑफ वाटर फाइंड करना है, तो वाटर का हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने एटम्स है, दो, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटमिक नंबर कितना, एट। तो एट का डबल करेंगे यानी 16। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 18। अब इसमें अगर हम लोग ग्राम ऐड कर देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, वन मोल ऑफ वाटर के बराबर। ठीक है, यानी वन मोल ऑफ वाटर किसके बराबर हो गया, तो 18 ग्राम्स के बराबर। यानी 18 ग्राम वाटर कंटेंट करता है 6.023 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल। तो हम लोग लिख सकते हैं 18 ग्राम वाटर contains 6.023 × 10⁻²³ molecules। क्लियर है, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना कंटेंट करेगा, 1 ग्राम ऑफ वाटर तो 6.023 × 10⁻²³ अपॉन 18। क्लियर है, तो हमें कितने का फाइंड करना है, 100 ग्राम्स का। इट मीन्स 100 ग्राम वाटर कंटेंट्स 6.023 × 10⁻²³ अपॉन 18 इंटू 100। क्लियर स्टूडेंट, यानी 100 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है, तो 6.023 × 10⁻²³ अपॉन 18 इंटू 100। क्लियर है, तो अब हमें फाइंड करना है, तो ये क्या हो गया, इतना मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो देखिए अगेन H2O, है ना। कैसे फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन कितना है, दो, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, एट, यानी टोटल कितना हो गया, 10। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से स्टैंड, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम वाटर। ठीक है, तो देखिए कितने मॉलिक्यूल से, इतने। अब एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.023 × 10⁻³ × 100 / 18 × 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 6.0 इधर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6.023 × 10⁻²। अब देखिए 2 और 1 3 और 23, तो हो जाएगा स्टूडेंट टोटल 26/18। ठीक है, इतने टोटल क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बट हमें क्या फाइंड करना है, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज। तो देयरफॉर क्यू इक्वल टू एन ई, है ना। ये क्या है हमारा, एन है, ये हमारा क्या है, एन है। तो एन की जगह पे 6.023 × 10⁻² अपॉन 18 इंटू ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, तो 6.023 × 10⁻², अब देखिए 26 और यहाँ पे कितना है, 19 है। ठीक है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1.6
सिक्स अपॉन 18। क्लियर स्टूडेंट। अब ये जो पूरा टर्म है यहाँ पे, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 5.35 इंटू 10 to the power 6। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया। ये Q इक्वल टू 5.35 इंटू 10 टू दी पावर 6 कूलम। ठीक है स्टूडेंट।